हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबीएमएस क्लास। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टपल रिलेशनल कैलकुलस। तो देखो, वैसे तो अगर हम बात करें इस एग्जाम की, तो 99.99% चांसेस है क्वेश्चन आने के सीक्वल या फिर रिलेशनल एल्जेब्रा में से। लेकिन जैसा कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है सिलेबस में टीआरसी, तो हम इसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे टपल रिलेशनल कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। एक्चुअल में ये है किसका पार्ट? रिलेशनल कैलकुलस का पार्ट है। रिलेशनल कैलकुलस में दो टाइप की क्वेरीज आती हैं, या दो टाइप की हमारे पास लैंग्वेजेस आती हैं, टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। जिसमें टपल रिलेशन कैलकुलस जो है वो उसका मेन फोकस है टपल्स के ऊपर, जो हमारी रोज के ऊपर, और डोमेन रिलेशन कैलकुलस जो है उसका मेन फोकस होता है कॉलम्स के ऊपर, जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें टपल रिलेशन कैलकुलस की, इट इज अ नॉन प्रोसीजरल। और नॉन प्रोसीजरल मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें हम बताते हैं व्हाट टू डू, बट हाउ टू डू ये हम मेंशन नहीं करते। तो वही यहां पे अगर हम बात करें, आपसे कोई पूछ ले कि रिलेशनल अलजेब्रा और टपल में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस ये है कि टपल रिलेशनल जो है वो नॉन प्रोसीजरल है और रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो प्रोसीजरल है। अगर हम बात करें यहां पे टपल रिलेशनल कैलकुलस में, इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का फंडा जो है वो यूज करते हैं, और इसमें हर एक क्वेरी जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है, टी ये आपका आ गया स्लैश पी टी। इसमें यहाँ पे टी का मतलब क्या है? रिजल्टिंग टपल, मतलब आपके पास फाइनल टपल्स जो है, फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा, वो हम इस तरीके से टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पी टी क्या है? पी टी इज अ प्रेडिकेट, इट इज अ रूल, और यू कैन से रेंज, जहां पे हम कंडीशंस वगैरह देते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो जो टपल्स इस PT को सेटिस्फाई करेंगी वो फाइनल आउटपुट में आएगी। तो यहां पे वही T आएंगी, यहां पे वही टपल्स आएंगी जो इस PT, मतलब इस पूरी कंडीशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। जो सेटिस्फाई नहीं करेगी वो ऑब्वियसली फाइनल रिजल्ट में नहीं आएगी। तो ये करता क्या है बेसिकली टपल रिलेशन कैलकुलस में, लेट्स से हमारे पास अगर एक टेबल है, टेबल में मल्टीपल्स क्या है, टपल्स। तो पहले ये करता क्या है, जो T है, ये जो स्मॉल टी की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है, एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल जो है वो टपल वन से स्टार्ट करता है, फिर टपल टू, टपल थ्री, टपल फोर, सारी टपल्स को क्या करता है, एग्जामिन, सारी टपल्स को एग्जामिन करता है। और एग्जामिन किसके बेसिस पे करता है, जो प्रेडिकेट, जो कंडीशन हम जो है वो राइट साइड में यहां पे देंगे, जो कंडीशन हम यहां पे देंगे, इस रेंज में देंगे, उस रेंज में जितनी भी कंडीशंस देंगे, उन सारी कंडीशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रू होगा, जो टपल उसको सेटिस्फाई करेगी वो फाइनल आउटपुट में आएगी, जो नहीं करेगी वो रिजल्ट में नहीं आएगी। ये बेसिक सा फंडा है टपल रिलेशनल कैलकुलस का। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑपरेशंस की, तो वही जैसे हम रिलेशनल अलजेब्रा में यूज करते हैं, वही सारे ऑपरेशंस जो है वो हम इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑपरेशंस अलग है। इसमें अगर हम बात करें लाइक और है, एंड है, नॉट है, और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, इसमें हम बात करते हैं एटॉमिक फंक्शंस की। एटॉमिक फंक्शंस का मतलब क्या है, जो एक टपल, मतलब एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, एक वेरिएबल हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मुझे लेट्स से सप्लायर, जैसे हम सप्लायर टेबल आपको दिया हुआ है, उस सप्लायर टेबल में से उन सारे सप्लायर्स की आईडीज निकालनी है जिनका नेम जो है वो वरुण हो। तो इसमें क्या है, आप सिंगल एक कंडीशन दे रहे हो, एक ही कंडीशन के अंदर जो है वो आपका फाइनल आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा कंडीशन दे रहे हो तो फिर वो एटॉमिक नहीं रहता, फिर वो कंपोजिट जो है वो फॉर्मूला बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो दो क्वांटिफायर्स हम यूज करते हैं, दिस इज अ देयर एग्जिस्ट एंड दिस इज फॉर ऑल। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है, जैसे हम नॉर्मल हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में भी हम इसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं कि देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है, कि देयर एग्जिस्ट सम टपल, और जो टपल बिलोंग करती है इस पर्टिकुलर कंडीशन को, मतलब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, पूरे टेबल में कोई रो ऐसी है, लेट से सिंपल से एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, लेट से टेबल में मेरे पास वैल्यूज है 10, 20, 30। अब आपसे अगर लेट से ये एज है, ये एज कॉलम है, अगर आपसे पूछा जाए बताओ भैया इज देयर एनी एग्जिस्ट, मतलब देयर एग्जिस्ट एनी टपल टी, और आपसे पूछा जाए वेयर एज इज ग्रेटर देन 20, वेयर एज इज ग्रेटर देन 20, तो ये करेगी क्या, एक एक करके सारी टपल्स को एग्जामिन करेगी और चेक करेगी वेदर देयर एग्जिस्ट एनी टपल जिसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 20 हो, तो हाँ यहां पे एग्जिस्ट करती है, तो आप कह सकते हो कि इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर यही मैं कंडीशन एज की जगह 20 की जगह लेट से 40 कर दूं, तो उस केस में क्या आएगा, ये एक एक करके एग्जामिन करेगी और फाइनल में रिजल्ट फॉल्स दे देगी। ऐसी अगर हम बात करें फॉर ऑल,
फॉर ऑल का मतलब ही क्या है, आपको नाम से पता लग रहा है फॉर ऑल मतलब ये सारी वैल्यूज को चेक करेगी, सारी वैल्यूज को चेक करने के बाद फाइनल एक आंसर जो है वो आपको देगी। फाइनल आंसर जो है वो किसके बेसिस पे बनेगा, फॉर ऑल द कंडीशन। ऐसा नहीं कि देयर एग्जिस्ट का मतलब है अगर एक भी एग्जिस्ट करेगी तो आउटपुट में ट्रू आ जाएगा। फॉर ऑल का मतलब है लेट से अगर मैं दो वैल्यूज दे दूं, यहां पे मैं लेट से वैल्यू दे दूं 10, 20 और दूसरे टेबल में वैल्यूज दे दूं लेट से 30, 10, 50। क्लियर। अब अगर मैं यहां पे क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए फॉर ऑल टी वेयर टी, अगर हम बात करें कि लेट से इस टेबल में सारी वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन हो इस टेबल से, तो देखो सारी वैल्यूज तो ग्रेटर देन नहीं है, 20 जो है वो ग्रेटर देन है 10 से, लेकिन 10 की अगर बात करें तो वो सारी वैल्यू से ग्रेटर नहीं है। तो फॉर ऑल जो है वो सारी वैल्यूज को चेक करती है, फॉर ऑल कंडीशंस को चेक करती है, तब जाके फाइनल आंसर आपको मिलता है। नेक्स्ट यहां पे हम बात करते हैं एक अनसेफ ऑपरेशंस की, अनसेफ एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं। अनसेफ का मतलब क्या है कि अगर मैं इस तरीके से लेट से मेरे पास एक सप्लायर टेबल है, सप्लायर टेबल में से हम इस तरीके से लिखते हैं सप्लायर एस, यहां पे हमने क्या क्रिएट कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया सप्लायर एस, और बाहर हमने क्या लिख दिया सप्लायर डॉट नेम, और ये क्या लगा दिया नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन का मतलब है यू हैव टू फाइंड ऑल द नेम्स हु डजंट बिलोंग टू द सप्लायर, इसको बोलते हैं अनसेफ। अगर आप इस नोट को हटा दोगे, इस नोट को अगर आप हटा दोगे तो ये क्या दे रहा है कि सप्लायर के नेम्स को प्रिंट करो, जितने भी सप्लायर्स हैं उनके नेम को प्रिंट करो, तो वो आपको प्रिंट करके दे देगी। लेकिन नोट लगाने का मतलब क्या है कि ऑल द सप्लायर नेम्स हु आर नॉट इन द सप्लायर टेबल, इस केस में ये आंसर क्या देगी इनफाइनाइट, मतलब ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगी, इसको बोलते हैं हम अनसेफ एक्सप्रेशन, जो कि रिलेशनल अलजेब्रा में नहीं होते। तो इसीलिए अगर हम बात करें टपल रिलेशनल कैलकुलस और रिलेशनल अलजेब्रा की, क्या उनकी पावर सेम है, यस उनकी पावर सेम है, बस टपल रिलेशन कैलकुलस में आपको अनसेफ एक्सप्रेशंस का ध्यान रखना, मतलब अनसेफ एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए। तो फिर आप कह सकते हो कि टपल रिलेशन कैलकुलस एंड रिलेशनल अलजेब्रा दोनों की एक्सप्रेसिव पावर जो है वो सेम है, मतलब दोनों जो क्वेरी आप रिलेशनल अलजेब्रा में लिख सकते हो वही क्वेरी जो है वो आप टपल में भी लिख सकते हो, इवन डोमेन रिलेशन कैलकुलस में भी लिख सकते हो, लेकिन एसक्यूएल की पावर जो है वो इनसे ज्यादा है, उसमें और एक्स्ट्रा फंक्शंस जो है वो हमने ऐड किए हुए हैं। अब एक एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करते हैं, वही जो हमने पहले क्वेरीज डिस्कस की थी सप्लायर पार्ट्स कैटलॉग वाली। देखो सबसे पहले राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले द एस नेम ऑफ द सप्लायर, तो देखो यहां पे कैसे लिखनी है, यहां पे हमने फाइनल में क्या निकालना है, सप्लायर का नेम प्रिंट करना है, और किस टेबल में से, आपको सप्लायर के टेबल में से प्रिंट करना है। तो आपने करना क्या है, सप्लायर को एक लेट्स से क्या बना दिया हमने, सप्लायर के अंदर हमने एक वेरिएबल बना दिया एस, ये एक्स कर क्या रहा है, ये एस सप्लायर की सारी टपल्स को चेक करेगा और उन सारी टपल्स में से इस तरीके से लेट्स से एक सप्लायर टेबल है, उस सप्लायर टेबल में बहुत सारी टपल्स है, हमने क्या लगा दिया एक एस लगा दिया इसके साथ वेरिएबल, वो एक एक करके सारी टपल्स को एग्जामिन करेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो एस डॉट एस नेम, एस डॉट एस नेम का मतलब क्या है, एस वेरिएबल जो है जितने भी एस नेम्स है उनको फाइनल में आउटपुट में प्रिंट करा देगा। तो इस तरीके से जो है वो हम इसकी क्वेरीज लिखते हैं। ऐसे अगर हम बात करें पार्ट नेम हुज कलर इज रेड, अब देखो यहां पे हमें निकालना है पार्ट्स में से, तो मैं पार्ट्स का एक वेरिएबल बना देता हूं पी, जो सारी पार्ट्स की टपल्स के ऊपर काम करेगा, लेकिन उसमें हमने कंडीशन भी दे दी, तो एंड लगा के p.color क्या कर दो आप रेड, इस तरीके से आप लिख दो p.color इज इक्वल टू रेड, और बाहर क्या लगा दो p में से आपने फाइनल में आउटपुट क्या दिखानी है, फाइनल में आउटपुट आपको दिखानी है पार्ट का नेम, तो आप इस तरीके से पार्ट का नेम जो है वो प्रिंट कर दो। तो ये सिंपल सी क्वेरी आपकी बन जाएगी। अगर हम बात करें थर्ड क्वेरी की, राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले द एसआईडी ऑफ द सप्लायर हुज नेम इज वरुण एंड एड्रेस इज चंडीगढ़, तो देखो इसमें जो है वो सेम आपको वही, पहले सबसे पहले टेबल देखो कौन सा यूज होगा, टेबल आपका यूज होगा यहां पे सप्लायर, टेबल कौन सा यूज होगा सप्लायर, उस सप्लायर के ऊपर आपने क्या लगा दिया एक एस वेरिएबल लगा दिया जो एक एक करके सारी टपल्स को एग्जामिन करेगा। अब आपने साथ में कंडीशन क्या दे दी कि एस चेक क्या करेगा, एस चेक करेगा कि एस डॉट नेम, मतलब ये एस वेरिएबल जो है उस टेबल के ऊपर सबसे पहले एट्रीब्यूट चेक करेगा, नेम जो है वो वरुण होना चाहिए, एंड एस डॉट एड्रेस, एड्रेस क्या होना चाहिए, एड्रेस चंडीगढ़ होना चाहिए, तो बस इस तरीके से चेक करेगा और फाइनल में आपको प्रिंट क्या कर देगा, एस आई डीज आपको
प्रिंट कर देगा। तो ये आपकी सिंपल क्वेरीज जो है वो इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राइट अ क्वेरी इन SQL टू डिस्प्ले द SID ऑफ सप्लायर हु सप्लाइड सम पार्ट्स। तो देखो अगेन आंसर कहां से निकालना है, कैटालॉग टेबल से निकालना है। तो कैटालॉग में से आपने करना क्या है, कैटालॉग में एक वेरिएबल बना दिया सी, कैटालॉग टेबल में एक वेरिएबल बना दिया सी जो एक एक करके सारी टपल्स को एग्जामिन करेगा। वहां से आपने कोई कंडीशन तो देनी नहीं है, सिंपल आपने क्या प्रिंट करना है, SIDs को प्रिंट करना है। तो इस तरीके से SIDs को आप प्रिंट कर दोगे तो सारी SIDs आपकी प्रिंट हो जाएंगी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी इन SQL टू डिस्प्ले द S name ऑफ सप्लायर हु सप्लाइड सम पार्ट्स। तो देखो यहां पे दो टेबल्स की रिक्वायरमेंट है, सप्लायर की भी रिक्वायरमेंट है और कैटालॉग की रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से हम कैसे लिखेंगे यहां पे, देखो फाइनल आंसर कहां से मिलेगा, फाइनल आंसर ऑब्वियसली आपको सप्लायर टेबल से मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम फ्री वेरिएबल, एक तरह से फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल क्या होता है, अगर इन केस आपको थ्योरी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांस आपको थ्योरी क्वेश्चन ही आने का चांस है इन केस आया। वैसे तो इसके ऊपर SQL और रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन केस अगर एक आधा छोटा पॉइंट पूछा भी गया, क्योंकि गेट वगैरह के एग्जाम में भी अगर हम बात करें ना, अभी तक कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर नहीं आया। हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन आपको मिल भी जाए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली जो है वो आप सिंपल लेवल का कोई क्वेश्चन जो है इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हो, और इवन आपको कहीं ना कहीं आइडिया जो है वो हो जाएगा कि कैसे हम क्वेरीज को लिखते हैं, या आपको क्वेरी दी हुई तो कैसे हम फाइनल में आउटपुट जो है वो निकालते हैं। तो सप्लायर के ऊपर मैंने एक वेरिएबल लगा दिया एस, और साथ में मैंने दो, अब देखो इसमें दो टेबल की रिक्वायरमेंट है, एक तो कैटालॉग की और एक सप्लायर की। तो कैटालॉग के ऊपर हमने कंडीशन लगानी है, अब हम यहां पे क्या लगा रहे हैं, देयर एग्जिस्ट क्यों लगा रहे हैं, देयर एग्जिस्ट लगाने का मतलब क्या है कि सप्लायर और कैटालॉग दो टेबल के ऊपर उठाएगा ये और चेक करेगा कि इज देयर एनी एग्जिस्टेंस, किसकी एग्जिस्टेंस, कि एस डॉट एस आई डी इज इक्वल टू सी डॉट एस आई डी, मतलब जहां पे सप्लायर की एस आई डी और कैटालॉग की एस आई डी बराबर हो, इज देयर एनी रो विच इज एग्जिस्टिंग, अगर रो एग्जिस्ट कर रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एस डॉट सप्लायर का नेम जो है वो प्रिंट कर देगा। तो यहां पे हम इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट क्या करेगा, एक सप्लायर की आईडी, जैसे यहां पे अगर सप्लायर टेबल में S1, S2, S3 है और कैटालॉग में लेट से S1, S2 है, तो ये क्या करेगा, एक S1 को उठाएगा और चेक करेगा इज देयर एनी एग्जिस्टेंस ऑफ पूरे टेबल में कहीं पे कोई एग्जिस्टेंस है कि S1 के बराबर कोई है, हां है। ऐसी S2 कहीं पे कोई एग्जिस्टेंस है, हां है। ऐसी S3 कहीं पे कोई एग्जिस्टेंस है, नो, तो ये जो है वो फॉल्स हो जाएगा, S1 S2 आपका ट्रू हो जाएगा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या चाहिए, सप्लायर का नेम, तो सप्लायर का नेम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्री वेरिएबल, जो S है वो क्या है, फ्री वेरिएबल, और जो C है यहां पे वो है बाउंडेड। इसको हम बाउंडेड क्यों बोल रहे हैं, जो वेरिएबल के साथ हम देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल लगाते हैं उसको बोलते हैं बाउंडेड, और जिसके साथ हम कुछ भी नहीं लगाते, मतलब ये देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल नहीं लगाते, उसको बोलते हैं हम फ्री वेरिएबल। लास्ट क्वेरी जो है वो यहां पे पूछी हुई है आपकी, राइट अ क्वेरी इन SQL टू डिस्प्ले द सप्लायर नेम ऑफ सप्लायर हु सप्लाइड सम रेड कलर पार्ट। अब देखो यहां पे तीन टेबल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको पता है कि फाइनल आंसर कहां से आएगा, फाइनल आंसर आपका आएगा सप्लायर में से। तो सप्लायर जहां से आंसर आएगा उसको सबसे पहले लिखते हैं, सप्लायर का ऊपर आपने एक वेरिएबल लगा दिया एस, साथ में आपने लगा दिया इज देयर एनी एग्जिस्टेंस, देयर एग्जिस्ट सम रो इन द कैटालॉग, कैटालॉग के ऊपर आपने एक वेरिएबल बना दिया सी, देयर एग्जिस्ट सम कैटालॉग एंड देयर एग्जिस्ट सम पार्ट्स, मतलब पार्ट्स के ऊपर आपने क्या लगा दिया, एक पी वेरिएबल लगा दिया, और आपने कैटालॉग के ऊपर क्या लगा दिया, सी वेरिएबल लगा दिया, और फाइनल में कंडीशन क्या लगा दी कि एस डॉट एस आई डी इज इक्वल टू सी डॉट एस आई डी एंड पी डॉट सी आई डी सॉरी पी डॉट पी आई डी इज इक्वल टू सी डॉट पी आई डी, मतलब कैटालॉग में जो पार्ट आई डी है वो पार्ट्स के अंदर पार्ट आई डी, एंड पार्ट डॉट कलर इज इक्वल टू क्या कर दिया, रेड, रेड कलर पार्ट जो है वो देने। इस तरीके से जैसे हम वहां पे लिखते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, बस सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। तो यहां पे हमने किया क्या, वही चीज, सप्लायर में लेट से S1 S2 S3 है, कैटालॉग में लेट से S1 S2 है, और पार्ट्स में लेट से P1 P2 P3 है, और लेट से S1 ने P1 को सेल किया, S2 ने P2 को सेल किया। तो हमने किया क्या,
सप्लायर में से फाइनल में मुझे क्या प्रिंट करना है, सप्लायर का नेम। लेकिन कंडीशन हमने क्या लगा दी, सप्लायर को हमने एक एस वेरिएबल लगा दिया, कैटलॉग के ऊपर सी वेरिएबल लगा दिया सी, और पार्ट्स के ऊपर हमने पी वेरिएबल लगा दिया। अब हमने किया क्या, सप्लायर को सबसे पहले हमने चेक किया कैटलॉग के साथ कि इज देयर एनी एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल सी जहां पे एस वन इज इक्वल टू एस वन, जहां पे एस वन और एस वन मैच कर रही हूं। हाँ, यहां पे मैच कर रही है, एस टू भी मैच कर रही है, एस थ्री मैच नहीं कर रही। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक और लगा दी कि P1 is equal to P1 और P2 is equal to P2, जहां पे PIDs भी मैच कर रही हैं। हाँ, PIDs भी मैच कर रही हैं, तो इससे पता लग गया कि आपके जो है वो पार्ट्स को किसी ना किसी सप्लायर ने सेल भी किया है, और उस पार्ट का कलर जो है वो क्या है, रेड। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको फाइनल में सप्लायर का नेम जो है वो प्रिंट करके दे देगा। तो अगेन इससे हम आपको अगर पूछता है कि फ्री वेरिएबल कौन सा है, एस आपका फ्री वेरिएबल है, सी और पी आपके क्या है, बाउंडेड वेरिएबल। सो दीज आर द मेन क्वेरीज। इस तरीके की कहीं ना कहीं क्वेरीज जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। और ज्यादा डीप में मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको इससे ज्यादा डीप में जाना चाहिए, लेकिन अगेन ये भी जो है वो बहुत ज्यादा क्वेरी लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा जो है वो आपको इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू।